Hi, this is Tej Sapru, and you're watching Tele Films. हाँ, जैसे आपने कहा, क्योंकि मेरे भी बहुत से फ्रेंड्स हैं, मेरे चाहने वाले बहुत हैं. जब उनको मैंने मैसेज दिया था कि शो आने वाला है मेरा, तो बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही हैं जो प्रोमोज देख के उनको लगा. तो लेट्स होप दिस इज़ अ बिग सक्सेस. वी ऑल वेटिंग फॉर इट. बहुत मेहनत की हम लोग ने शो पे. और हाँ, एक्चुअली बहुत वियर्ड कॉम्बिनेशन है. एक जट, एक केरला. तो हरफूल जो हीरो है इसका, मैं उसका चाचा प्ले कर रहा हूँ, जो गांव का चौधरी है, सबसे बड़ा आदमी है, लेकिन डॉन है. मतलब कोई चीज़ उसके बिना, मतलब उसके बोले बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा वाला है. और हरफूल का जो फादर था हरबीर, वो मेरे छोटे, मेरे बड़े भाई थे. अब कुछ ऐसा डाउट है मेरी भाभी को, हरफूल की माई को, कि शायद उनकी मौत में मेरा हाथ हो सकता है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है. तो जब उनकी डेथ हो गई हरबीर की, तो इसने एक अलग से बंजर सी ज़मीन बड़ी उनको दे दी थी कि जाओ इस पे खेती वेती करके अपना खाओ पियो. बट एक टाइम ऐसा आता है कि वही ज़मीन चौधरी बलवंत को वापस चाहिए होती है. तो ये तो पहले उसको बोलता है कि चल तेरी बंजर ज़मीन के 2 लाख रुपए मैं दे देता हूँ, ले ले, कोई नहीं लेगा. बट वो बोलता है कि नहीं, यहाँ मेरी माई का खून पसीना सब गया है जोतने में, तो मैं ये देने वाला नहीं हूँ. अब इसको ज़मीन तो चाहिए, तो ये कुछ ना कुछ पैंतरे खेलता रहता है. ये जो नखरौली गाँव है हरियाणा का, जो हम दिखा रहे हैं इसमें, इसमें एक प्रथा उल्टी चलती है. डौरी में लड़के जो हैं, लड़के वाले देते हैं लड़की को, नगद देते हैं, सोना देते हैं. और ये अंगूठा छाप बेचारा, इसके पास तो कुछ पैसे नहीं होते. तो बलवंत चौधरी को ये गेम खेलता है, बोलता चल तू 1 महीने में शादी करके दिखा. 1 महीने में शादी कर देगा तो ठीक है, ये ज़मीन तेरी. नहीं कर सकेगा तो ये ज़मीन हो जाएगी पंचायत की, और पंचायत सब इसके हाथ में, सब कुछ इस आदमी के हाथ में. तो कैसे फिर वो जाता है और उसको मोहिनी मिलती है और वो शादी करके आता है. पहले तो उनका टसन लगता है, क्योंकि बिल्कुल अलग दो कैरेक्टर्स. बट अल्टीमेटली दे लाइक ईच अदर. और ये फिर उनका जो लव है, दिस इज़ शादी के बाद वाला लव. जैसे शादी के बाद जब लव क्रिएट होता है, तो ये भी एक अच्छा एंगल है. क्योंकि नॉर्मली हम लोग सब दिखा देंगे पहले इश्क हो गया उसके बाद शादी हुई, तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं है. इस मजबूरी का एक सिलसिला था, लेकिन वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है. और वो पढ़ी लिखी है, ये अंगूठा छाप. एंड हाउ शी यू नो सॉर्ट ऑफ ट्रेन्स हिम, कि ये जो आपका चाचा है ये बहुत गलत आदमी, इससे कैसे, और हर मेरा दाव जो है उसको कैसे ये लोग नलीफाई करते हैं. तो ये है बेसिक स्टोरी इसकी. हाँ, इसमें उनकी मदर के रोल में सुप्रिया है, मेरी वाइफ है, मेरे 2 नाजायज़ लड़के हैं जो उनको भी ये साथ रखता है. तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कितना पागल कैरेक्टर है ये. ऑन स्क्रीन देखिए, मैंने ज्वाइन किया, मैं किसी से पहले मिला नहीं था. बट जब यहाँ मिला, सब आए मेरे पास कि सर इट्स अ प्लेजर टू वर्क विथ यू, तो इतने अच्छे लगे ये सब लड़के, यंगस्टर्स. और इनका जोश देख के लगता है कि चलो एक अच्छी टीम बन गई है हमारी. इनफैक्ट मोहिनी से तो मैं आज मिला हूँ, क्योंकि वो केरला वाली थी और उन लोग केरला गए, मैं तो यहाँ रहता हूँ हरियाणा का जाट. तो ऐसे अभी तक मैं सबसे इतना मिल नहीं पाया हूँ, लेकिन जिन्होंने मेरे साथ काम किया, ज़्यादातर अपना हरफूल, ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय. उसने बहुत अच्छा डायलेक्ट पकड़ा है अपना, और उसकी हरियाणवी बहुत बढ़िया लगती है.
तो आई होप वी शुड अस वेल फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत है, इनफैक्ट मेरे दो तो चल ही रहे हैं, एक दिल बेकरार चल रहा है उस पर, अपना क्या नाम है, कौन सा चैनल है अपना, ये काफ़ी अरसा हो गया ना उसको, और एक अनदेखी सोनी लिव पे है और वो डिज्नी हॉटस्टार पे है, दिल बेकरार। और दो अभी कंप्लीट करके आया हूँ, एक रेस है और एक है रोहतक सिस्टर्स, अब वो देखते हैं आफ्टर कंप्लीशन किस चैनल पे जाते हैं। तो ये आई थिंक इट OTT इज़ ऑल्सो अमेजिंग, मतलब इट्स वेरी क्लोज टू द फिल्म, द टेकिंग ये वो कहानी फिल्म के, क्योंकि या तो 6 या 8 या 10 एपिसोड तक वो एक सीज़न बना लेते हैं, विच इज़ अबाउट 25 to 30 मिनट सीच। तो बहुत अच्छा खुल गया है, OTT इज़ डूइंग वेल, बट हमारे डेली शोज तो चलते रहेंगे। हाँ ये बात है, TV पे मैंने थोड़ा नेगेटिव कम किया है, फिल्मों में तो बहुत कर लिया, मतलब 13 भाषाएँ और 13 भाषाओं में ही नेगेटिव, 90% ऑफ माई रोल्स वो नेगेटिव, लेकिन TV पे मैंने नेगेटिव जो ग्रे शेड किया है लेकिन नेगेटिव नहीं किया है, तो ये मेरा पहला टोटली नेगेटिव रोल है, जिसको आप बोल सकते हैं ना नेगेटिव, कि मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा सामने वाले, मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं, ये वो रोल है, हंसता भी है रोता भी है, थोड़ा सा हल्की कॉमेडी भी करता है, सीरियस हो जाता है, मर्डर करने के लिए भी तैयार होगा, ऐसा है ये, अखाड़ा भी लड़ता है, उसने अपने पहलवान रखे हैं वहाँ, अखाड़ा भी करता है तो टॉर्चर भी करता है, बीवी को मारता भी है, तो ये सब आपको देखने मिलेगा मेरा। मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे आपने ट्रेलर को पसंद किया ऐसे हमारे शो को पसंद कीजिए और इसको हिट करिए, एक पूरी टीम को कितना फ़ायदा होता है इससे, यू नो, और इसी तरह जो मुझे प्यार देते हुए हैं, मेरे लास्ट के सारे शोज हिट हैं जितने भी हैं, दो तो ऑलरेडी कलर्स के साथ ही थे, दिल से दिल तक और सम्राट अशोक, ये मेरा 3rd शो है कंसेक्यूटिव कलर्स के साथ, तो इवन आई विश कि ये हमारी एसोसिएशन ऐसी चलती रहे कलर्स के साथ, और मेरा रोल पसंद करते रहें और मुझे काम देते रहें। थैंक यू सो मच।